नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। दतिया में निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कक्षा 8वीं और 9वीं में टॉप आने वाले 5 छात्रों को लैपटॉप दिया, साथ ही 10 निःशक्तों को व्हीलचेयर भी दी। यह कार्यक्रम जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र द्वारा आयोजित किया गया था। लैपटॉप पाकर सभी दिव्यांग बच्चे खुश थे। लैपटॉप मिलने से वो अब अच्छे से आगे की पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। इन बच्चों की इच्छा यही है कि जो प्रतिभाशाली हैं उन्हें भी पढ़ने के लिए लैपटॉप दिए जाएं। इसके साथ ही कार्यक्रम में कुछ ऐसे विकलांग भी शामिल हुए जिनमें गजब की प्रतिभा थी। कोई बोलने में माहिर था तो कोई शिक्षा के क्षेत्र में। वहीं एक ऐसा विकलांग भी शामिल था जो अपने पैरों से सुंदर लिखाई करता नजर आया। अच्छा फील हो रहा, अच्छी खुशी हो रही है। मैं इसके लिए मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आगे जो और भी विकलांग बच्चे उनको भी लैपटॉप प्रदान किया जाए। इससे क्या होगा? इससे उनको भी आगे पढ़ने के लिए और वो मिलेगी, क्या क्या हेल्प मिलेगी, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। जो कार्यक्रम था ये एडीपी योजना के अंतर्गत सहायक उपकरण वितरण का कार्यक्रम था। साथ ही जो निःशक्त बच्चे हैं जो 8वीं में और 9th में फर्स्ट डिवीजन आए उन्हें निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत लैपटॉप वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। आज हमने जिले में 5 ऐसे दिव्यांगजनों का चयन किया है जो प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण हुए हैं। उन्हें माननीय मंत्री महोदय के हाथों से लैपटॉप का वितरण कराया गया है। साथ ही 10 और 11 ऐसे दिव्यांगजन थे जिन्हें व्हील चेयर की आवश्यकता थी, जो चल फिर नहीं सकते थे, उन्हें भी व्हील चेयर का वितरण किया गया। हाँ, ये जो भी प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण है ये पहला प्रयास था हमारा जिले में। अब जो भी प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण है जो हमारे पात्रता में आते हैं उन सभी को लैपटॉप का वितरण और मोटर ट्राइसिकल का वितरण किया जाएगा। दतिया से राजेंद्र पटवा, न्यूज आज। और फिलहाल इस खबर में इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।